साल 2023 में कब पड़ रहे हैं पितृपक्ष? 15 दिन लग जाएगी शुभ कार्यों पर रोक, ये है श्राद्ध करने की सही विधि। हिंदू धर्म में श्राद्ध यानी कि पितृपक्ष का बहुत महत्व है। पितृपक्ष हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है, जो 15 दिनों तक चलता है। ये 15 दिन हमारे पितरों के माने जाते हैं। कहते हैं कि इस दौरान पितृ धरती पर आते हैं और अपने परिवार पर उनकी श्रद्धा अनुसार कृपा बरसाते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं में पूरी श्रद्धा के साथ पितरों यानी कि पूर्वजों को याद किया जाता है और उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। मान्यता है कि विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करने से वो अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। बता दें कि इस साल यानी कि 2023 में पितृपक्ष 10 सितंबर को शुरू होकर 25 सितंबर को समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि श्राद्ध क्यों जरूरी है और पितृपक्ष के बारे में रोचक जानकारी जिसके बारे में शायद आप न जानते हो, तो आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मृतक का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक नहीं किया जाता है या किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, ऐसे में परिवार को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि पितृदोष का असर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जब तक कि उसका उपाय न कर लिया जाए। पितृदोष के कारण ही परिवार को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है, तरक्की में बाधा उत्पन्न होती रहती है, घर में कलह कलेश होता रहता है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों की मानसिक स्थिति भंग हो जाती है, संतान सुख नहीं मिलता है, परिवार के सदस्य बुरी संगत में फंस जाते हैं, नौकरी या व्यापार में भरपूर मेहनत के बावजूद भी अनुकूल फल नहीं मिलता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण करके आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। पितृपक्ष में किए गए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगाकर रोज उनको प्रणाम करने से पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें। ऐसा अगर अमावस्या तिथि को करते हैं तो उत्तम फलदायी होगा। अमावस्या के दिन पीपल में जल के साथ साथ ही फूल, अक्षत, दूध और काले तिल भी चढ़ाएं। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए एक उपाय ये भी है कि रोजाना शाम को दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाएं। यदि ऐसा संभव न हो तो कम से कम पितृपक्ष के दौरान ऐसा जरूर करें। बताते चलें कि श्राद्ध का मतलब होता है अपने पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना। पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जो लोग परलोक सिधार जाते हैं वो इस समय किसी न किसी रूप में अपने परिवार वालों से मिलने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इंसान के मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए 16 दिनों तक श्राद्ध कर्म किया जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 29 सितंबर दोपहर 3:26 से हो रहा है और इसका समापन 30 सितंबर दोपहर 12:21 को हो रहा है। आगे आपको बता दें कि पितृपक्ष के अनुष्ठान का समय कुतुब मुहूर्त 29 सितंबर से सुबह 11:47 से 12:35 तक, अवधि 48 मिनट। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:45 से 1:23 तक, अवधि 48 मिनट। अपराह्न काल दोपहर 1:23 से 3:46 तक, अवधि 2:23। तो चलिए आगे आपको बता दें कि किस दिन कौन सा श्राद्ध पड़ रहा है। प्रतिपदा श्राद्ध 29 सितंबर 2023 शुक्रवार, द्वितीय श्राद्ध 30 सितंबर 2023 शनिवार, तृतीय श्राद्ध 1 अक्टूबर 2023 रविवार, चतुर्थी श्राद्ध 2 अक्टूबर 2023 सोमवार, पंचमी श्राद्ध 3 अक्टूबर 2023 मंगलवार, षष्ठी श्राद्ध 4 अक्टूबर 2023 बुधवार, सप्तमी श्राद्ध 5 अक्टूबर 2023 गुरुवार, अष्टमी श्राद्ध 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार, नौमी श्राद्ध 7 अक्टूबर 2023 शनिवार, दशमी श्राद्ध 8 अक्टूबर 2023 रविवार, एकादशी श्राद्ध 9 अक्टूबर 2023 सोमवार, माघा श्राद्ध 10 अक्टूबर 2023 सोमवार, द्वादशी श्राद्ध 11 अक्टूबर 2023 बुधवार, त्रयोदशी श्राद्ध 12 अक्टूबर 2023 गुरुवार, चतुर्दशी श्राद्ध 13 अक्टूबर 2023 शुक्रवार, सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध 14 अक्टूबर 2023 शनिवार। बताते चले कि इस वर्ष श्राद्ध पक्ष में 10 अक्टूबर को कोई तिथि श्राद्ध नहीं होगा, लेकिन जो लोग किसी कारणवश 9 अक्टूबर को एकादशी का श्राद्ध न कर पाए वो 10 अक्टूबर को दोपहर 1:24 से 3:09 तक श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।
साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।